लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। खेलकर जानवर पकड़ते हैं और तुम इतनी आसानी से ले जाना चाहते थे। अरे चला चला, अब क्या कान टूट रही तुम्हारी? चलो, अरे ले चलो इनको। साहब ये देखो साहब आ गई है। तो आप निम्मी हैं, गोपाल दास जी की बेटी? हाँ तुम? नमस्कार राम, तुम भी इनके साथ मिले हुए हो? ले जाओ सबको पुलिस स्टेशन। चलो गोपाल दास जी, I making one jungle picture, share mera yaar. Hindi, English and Tamil, three language. I want to share ka bachcha. Don't worry sir, you want 100 bachcha, I give 100 bachcha. Thank you. Pura paisa abhi mangta, murga, paisa lao. Chichi ji, paise ki kya zarurat hai? Aapka paisa jaise bank mein paisa, jab zarurat hogi le lunga. Achcha, achcha, main chalta hoon. Achhi baat. Namaste ji. Namaste, namaste. नमस्ते गोपाल दास जी। आइए आइए शर्मा जी, आइए बैठिए। बैठूंगा बाद में, पहले मुझे आपसे एक बात की माफी मांगनी है। माफी किस बात की? मैं आपका दरवाजा छोड़कर किसी और दुकान पर चला गया था। अरे व्हाट नॉनसेंस, पिछली बातों को भूल जाइए, बैठिए तशरीफ रखिए। आप बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जी बात यह है गोपाल दास जी, मुझे अपने सर्कस के लिए एक हाथी का बच्चा चाहिए, मिलेगा ना? अरे क्यों नहीं मिलेगा शर्मा जी, जब तक हमारा जंगल किंग मौजूद है ना, हाथी और शेर के बच्चों की कोई कमी नहीं। बिहारी, रंजीत ने खबर दी है काली पहाड़ी के पास शेर के दो बच्चे देखे गए हैं। सेठ गोपाल दास जी को शेर के बच्चे चाहिए, बच्चे आज ही पकड़ने हैं। तुम सब लोग आगे चलो, मैं भी आता हूँ। निमे, मेरी बंदूक लेते हैं ना, और जल्दी आओ। ठहरो बेटी। क्या है माँ जी? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अभी इसी वक्त? हाँ इसी वक्त। कहिए। अब तुम इस घर की बहू बनने वाली हो, मेरे बेटे की पत्नी, और उस नाते तुम्हारे कुछ फर्ज है, कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। मैं आपकी बात नहीं समझी। तुम्हारा इस तरह विजय के साथ जंगल में जाना, जानवरों को पकड़ने में उसकी मदद करना, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों माँ जी, इसमें बुरी बात क्या है? पत्नी अपने पति की साथी होती है, उसके इरादों की ताकत, और मैं? वो तो ठीक है, लेकिन सिर्फ अपने शौक की खातिर किसी बेजुबान जानवर को पकड़ना और मासूम बच्चों को उनकी माँ से अलग करना, ये बहुत बड़ा पाप है। मैंने कई बार ये बात उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी सुनता ही नहीं। बस हर रोज जंगल में जाकर खतरों से खेलता है और मौत को बुलावा भेजता है। मैंने सोचा था जब मेरी बहू आएगी तो वो उसे सुधारेगी, लेकिन तुम तो उसका साथ दे रही हो, उसे और उकसा रही हो। माँ जी, विजय में मुझे जो बात बहुत पसंद है वो है उसकी बहादुरी और उसकी हिम्मत। मैं उसके हाथ की तलवार बनकर रहना पसंद करूंगी, पांव की जंजीर नहीं। ये मैं उससे कैसे कह सकती हूँ कि? अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ, हम फिर बात करेंगे। हम
नाजुक और इतनी कमजोर हो तुम, जरा सी ब्रेक मारी के प्लास्टिक की घुड़े की तरह उड़ के बाहर आ गई। ऐसी बीवी से तो काम नहीं चलेगा। तो फिर कैसी बीवी चाहिए? कितने प्यारे बच्चे हैं, हाउ स्वीट, हाउ क्यूट दे आर लुकिंग। लाओ मुझे दो। पीछे रख। विजय बिल्कुल ठीक है ना? 100% एकदम अच्छा हो गया। आप जैसा एक्सपर्ट डॉक्टर और मैं ठीक ना हूं? नहीं विजय, मेरी ट्रीटमेंट से ज्यादा इनकी सेवा और माता जी की प्रार्थना ने तुम्हें अच्छा किया है। बिस्तर से उठे और आज जंगल की तरफ चल पड़े? निम्मी, जंगल ही मेरा रास्ता है, जंगल ही मेरी मंजिल। तुम्हारे डैडी ने शेर के बच्चे मांगे थे, वो तो मैंने भेज दिए, आज हाथी का बच्चा पकड़ने जा रहा हूँ। हाथी का बच्चा कोई और पकड़ लाएगा, तुम्हें खुद जाने की और खतरा मोल लेने की क्या जरूरत है? खतरों से खेलने का शौक है मुझे निम्मी। आओ बैठो। नहीं, न मैं खुद जाऊंगी न तुम्हें जाने दूंगी। क्यों? इसलिए कि जो काम तुम करते हो उसमें तुम्हारी जान तक जा सकती है। समझा, उस दिन शेर का वाक्य देखकर लगता है मेरी शेरनी भी बिल्ली बन गई।
यही समझ लो, उस दिन तो तुम किसी तरह बच गए, लेकिन हर रोज जंगल में जाके तुम्हें अपनी जान की बाजी लगाते हुए मैं नहीं देख सकती। तो फिर ठीक है निम्मी, तुम भी माँ के साथ घर में रहो, मैं चलता हूँ काम। विजय, तुम इसे प्यार करते हो ना? क्यों, कोई शक है? निम्मी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर मेरी खातिर तुम्हें एक काम छोड़ना पड़ेगा। देखो ना, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ और ना अपना काम छोड़ सकता हूँ। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? सुनो निम्मी, ये काम मैंने अपनी माँ के कहने से भी नहीं छोड़ा, जिसे भगवान से भी ज्यादा मानता हूँ। तो फिर इसका मतलब है हम उस मोड़ पे आ गए हैं जहाँ पहुंचकर हमारे रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। निम्मी, क्या हो गया है तुम्हें? जानती हो क्या कह रही हो तुम? विजय, मैं तुम्हारे लिए मर सकती हूँ, लेकिन जिंदगी भर तुम्हारी मौत के साए के नीचे जी नहीं सकती। तुम्हें अपनी जिद नहीं छोड़ी तो हमारी शादी के बारे में मुझे दोबारा सोचना पड़ेगा। तुम यहां तक पहुंच चुके हो, ठीक है, तुम्हें जो सोचना है सोच लो, जो फैसला करना है कर लो, लेकिन मैं किसी हाल में किसी कीमत पर किसी के लिए भी अपना काम नहीं छोड़ सकता। विजय बेटे, तुम्हें निम्मी की बातों को इस तरह बुरा नहीं मानना चाहिए। वो तो सिर्फ इतना चाहती है कि तुम जानवर पकड़ने का खतरनाक काम छोड़ दो। वो ये क्यों नहीं कहती कि मैं जीना छोड़ दूं? अंकल, दुनिया में खतरा सिर्फ मुर्दों को नहीं होता, और मैं मुर्दा बनकर जीना नहीं चाहता। मगर बेटे, मैंने फैसला किया है कि अपनी बेटी के लिए ये जानवर बेचने का धंधा ही बंद कर। इसका मतलब आप मुझसे जानवर खरीदना नहीं चाहते? ठीक है अंकल, मैं अपना बिजनेस किसी और से शुरू कर लूंगा। माँ मुझसे पूछे बगैर मेरी शादी के बारे में कोई फैसला नहीं करना। पीछे? हाँ, मैं भी अपनी शादी के बारे में दोबारा सोचना चाहता हूँ। सुनो विजय, मैंने तो सोचा था मैं शादी से इनकार कर दूंगी तो विजय मेरी बात मान जाएगा, लेकिन यहाँ तो सारा खेल उलट गया, अब क्या होगा? तू फिक्र मत कर बेटी, जिस तरह भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनकर तुझे बदल दिया है, उसी तरह वो एक दिन विजय को भी बदल देगा। भाई साहब, आप विजय की बात का बुरा मत मानिएगा, उसने जो कुछ कहा है गुस्से में आकर कहा है। आप निम्मी को ले जाइए और शादी का मुहूर्त निकलवाइए, विजय मेरी बात कभी नहीं टालेगा।